रियासत का दर्जा तक आप लोग इसके लिए आवाज नहीं करेंगे, नहीं आएंगे। लेकिन एलजी साहब को जनाब समझाएं, यूनियन टेरिटरी दिन हम 31 अक्टूबर को मनाएंगे, हम नहीं मनाएंगे, डोगरे नहीं मनाएंगे। क्यों मनाएं हम? महाराजा हरि सिंह जी की रियासत है। जो कुछ है आप सब जानते हैं, इसलिए हमें इन चीजों की आवाज उठानी पड़ेगी। दरबार में क्यों आया जी? इसलिए आया था कि लोगों में मित्रता होती थी। यहाँ हम लोग हिंदुओं को जानते थे, वो हमें मुसलमानों को जानते, काम होते चलता था। इन्होंने वो खत्म किया कि वो मित्रता चाहते नहीं, वो चाहते कि डिवाइड रहे, हिंदू अलग रहे मुसलमान अलग रहे। हम लोग दरबार मुख की कोशिश करते हैं, वो नहीं होगा जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा, क्योंकि ये गवर्नर मानने वाला नहीं। इन्होंने वो हटा दिया है, इसे आप लोग भी आवाज किया करो। आप लोग हर जगह आवाज करो, दरबार लाओ, दरबार लाओ, दरबार लाओ। जब हमारे हाथ भी मजबूत होंगे, जब आप लोग आवाज नहीं लाओगे नहीं होगा, समझे ना? हम चाहते हैं दरबार आए, क्योंकि ये महाराज साहब ने कोई बेवकूफी नहीं किया। उसे क्या था, 6 महीने यहाँ लोग रहते थे, एक मित्रता बढ़ती, एक काम बढ़ता। 6 महीने आप वहां आते थे तो मित्रता बढ़ती, उस मित्रता को हमने फिर से चलाना, आगे लाना। इसे मेहरबानी करके उसे लिए आवाज करो। लो जी, ये ट्रांसपोर्टर्स के देखिए, समीर साहब सुनिए मेरी बात, हुकूमत यहाँ आएगी उस वक्त आप ट्रांसपोर्टर्स सारे जो है, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है वहाँ पे, मिनिस्टर भी है दफ्तर में, उनसे मिला, अपनी जितनी शिकायतें हैं आपकी वो आप लिख लीजिए, उनको दे दीजिए, और जितना वो हो सकेगा आप लिखा, ठीक है? जाओ भाई जनाब, एक चीज हो रहा है, आपने कहा स्टेटहुड, ये स्टेटहुड देने में बकवास करते हैं, ये यूनियन टेरेटरी दिन मना रहे हैं, हम यूनियन टेरेटरी दिन नहीं मनाएंगे, आप मनाए सुनिए। स्टेटहुड इसमें क्वेश्चन, और कितना वक्त लगा मुझे, मगर स्टेटहुड आएगा, और मगर आप लोगों को आवाज बुलंद करनी है। रियासत का दर्जा तक आप लोग इसके लिए आवाज नहीं करेंगे, नहीं आएंगे। लेकिन एलजी साहब को जनाब समझाएं, टेरिटरी दिन हम 31 अक्टूबर को मनाएंगे, हम नहीं मनाएंगे, डोगरे नहीं मनाएंगे। क्यों मनाएं हम? महाराजा हरि सिंह जी की रियासत है, इसलिए हमें इन चीजों की आवाज उठानी पड़ेगी। दरबार में क्यों आया जी? इसलिए आया था कि लोगों में मित्रता होती थी। यहाँ हम लोग हिंदुओं को जानते थे, वो हमें मुसलमानों को जानते, काम होते चलता था। इन्होंने वो खत्म किया कि वो मित्रता चाहते नहीं, वो चाहते कि डिवाइड रहे, हिंदू अलग रहे मुसलमान अलग रहे, इसको हमने दूर किया। दूसरा, एक तो जरूरी है काम करना, रियासत का जब तक आप लोग इसके लिए आवाज नहीं करेंगे नहीं आएंगे। लेकिन एलजी साहब को जनाब समझाएं, यूनियन टेरिटरी दिन हम 31 अक्टूबर को मनाएंगे, हम नहीं मनाएंगे, डोगरे नहीं मनाएंगे। क्यों मनाएं हम? महाराजा हरि सिंह जी की रियासत है। जो कुछ है आप सब जानते हैं, इसलिए हमें इन चीजों की आवाज उठानी पड़ेगी। दरबार में क्यों आया जी? इसलिए आया था कि लोगों में मित्रता होती थी। यहाँ हम लोग हिंदुओं को जानते थे, वो हमें मुसलमानों को जानते, काम होते चलता था। इन्होंने वो खत्म किया कि वो मित्रता चाहते नहीं, वो चाहते कि डिवाइड रहे, हिंदू अलग रहे मुसलमान अलग रहे। हम लोग दरबार मुख की कोशिश करते हैं, वो नहीं होगा जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा, क्योंकि ये गवर्नर मानने वाला नहीं। इन्होंने वो हटा दिया है, इसे आप लोग भी आवाज किया करो। आप लोग हर जगह आवाज करो, दरबार लाओ, दरबार लाओ, दरबार लाओ। जब हमारे हाथ भी मजबूत होंगे, जब आप लोग आवाज नहीं लाओगे नहीं होगा, समझे ना? हम चाहते हैं दरबार आए, क्योंकि ये महाराज साहब ने कोई बेवकूफी नहीं किया था। उसे क्या था, 6 महीने यहाँ लोग रहते थे, एक मित्रता बढ़ती, एक काम बढ़ता। 6 महीने आप वहां आते थे तो मित्रता बढ़ती, उस मित्रता को हमने फिर से चलाना, आगे लाना। इसे मेहरबानी करके उसे लिए आवाज करो। लो जी, ये ट्रांसपोर्टर्स के देखिए, समीर साहब सुनिए मेरी बात, हुकूमत यहाँ आएगी उस वक्त आप ट्रांसपोर्टर्स सारे जो है, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है वहाँ पे, मिनिस्टर भी है दफ्तर में, उनसे मिला, अपनी जितनी शिकायतें हैं आपकी वो आप लिख लीजिए, उनको दे दीजिए, और जितना वो हो सकेगा आप लिखा, ठीक है? जाओ भाई जनाब, एक चीज हो रहा है, आपने कहा स्टेटहुड, ये स्टेटहुड देने में बकवास करते हैं, ये यूनियन टेरिटरी दिन मना रहे हैं, हम यूनियन टेरिटरी दिन नहीं मनाएंगे, आप मनाएं। सुनिए, स्टेटहुड इसमें क्वेश्चन, और कितना वक्त लगा मुझे, मगर स्टेटहुड आएगा, और मगर आप लोगों को आवाज बुलंद करनी है। रियासत का दर्जा जब तक आप लोग इसके लिए आवाज नहीं करेंगे नहीं आएंगे।
लेकिन एलजी साहब को जनाब समझाए टेरिटरी दिन हम 31 अक्टूबर को मनाएंगे, हम नहीं मनाएंगे, डोगरे नहीं मनाएंगे। क्यों मनाए हम? महाराजा हरि सिंह जी की रियासत है, इसलिए हमें इन चीजों की आवाज उठानी। दरबार में क्यों आया जी? इसलिए आया था कि लोगों में मित्रता होती थी, जहाँ हम लोग हिंदुओं को जानते थे वो हमें मुसलमानों को जानते, काम होते चलता था। इन्होंने वो खत्म किया कि वो मित्रता चाहते नहीं है, वो चाहते हैं डिवाइड रहे, हिंदू अलग रहे मुसलमान अलग रहे, इसको हमने दूर किया। दूसरा